गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए कितना अंधेरा है, ये देखिए। और इस अंधेरे में मैं निकल पड़ा हूँ और आपको दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ अब शायद थोड़ा बहुत। यस, इट्स ए न्यू लुक डियर। तो इस न्यू लुक के साथ आज की राइड है। ये न्यू लुक अभिनंदन वर्तमान जी, जो हमारे एयरफोर्स के बेहतरीन शानदार फाइटर पायलट, उनसे प्रेरित होकर रखा गया है। देखिए कितना अंधेरा है, ये देखिए। तो थोड़ा बहुत जो आपको प्रकाश दिख रहा है, ये इट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रीट लाइट्स। और लोग निकल पड़े हैं चहलकदमी के लिए। हल्की हल्की हवा बह रही है दोस्तों, और मैं शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ कि जो शीतल हवा हल्की हल्की बह रही है ना, बहुत ही शानदार लग रही है। वीआईपी रोड प्रकाश से जगमगाती हुई, ये देखिए हल्का हल्का उजाला होना शुरू हो गया है। तो ये है अभिषेक करडे जी, और आज साइकिल चलाते समय रिंग रोड के पास जो खजरी चौक है वहाँ इनसे मुलाकात हो गई, और ये माउथ ऑर्गन बजाते हुए जा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं रह नहीं पाया और इन्हें रोक करके मैंने इनसे बात की। तो इनसे एक धुन सुनते हैं माउथ ऑर्गन पे, आइए। शानदार धुन सुनाई इन्होंने, रमैया अवस्था भैया। बचपन में बहुत सुना इस गाने को, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध गीत है ये राज कपूर साहब की। तो ये है नया लुक, और मुलाकात हो गई अभिषेक जी से। बहुत ही शानदार धुन उन्होंने सुनाई, मजा आ गया। देखिए उजाला हो चुका है, लगभग क्या काफी कुछ उजाला हो चुका है दोस्तों, और राइड करने का मजा आ रहा है। कारण ये है कि कल था दशहरा और मैंने धो ली थी अपनी साइकिल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसे लूप करना भूल गया, चेन लूपिंग भूल गया। इस कारण से साइकिल चल रही है भारी। यस, लेकिन नेवर माइंड, आई एम एंजॉयिंग द राइड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि मेरी बहुत दिनों की विश थी कि मैं अभिनंदन वर्धमान जी के गेटअप में अपने आप को एक बार ज़रूर देखूं। मैंने वो कोशिश की और मैं सफल भी हुआ। और साथियों, मैं इस आज है 16th of October एंड टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, इसलिए भी मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ साइकिलिंग के साथ साथ। एक्चुअली मेरा पर्पज़ ये है कि फिटनेस भी हो, कुछ थोड़ी सी उसके साथ में कुछ और पर्पसेस मैं ऐड करूं और कुछ अच्छी चीज़ें आप लोग को बताऊं। तो उसी कड़ी में मैं आपके लिए लेके आया हूं इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड फूड डे से रिलेटेड। यू नो टुडे इज 16th of October और आज है वर्ल्ड फूड डे। और साथियों, आज ही के दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए आज के दिन वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। 1979 से ये सेलिब्रेट करना शुरू हुआ है, और इसका मेन पर्पस है लोगों को अवेयर करना, टू अवेयर पीपल अबाउट गुड फूड हैबिट्स। आई मीन टू से दैट बाय गुड फूड हैबिट्स मीन्स वी शुड
avoid wastage of food so that there is a situation of zero hunger. बहुत ज़रूरी है. आप और हम जानते हैं कि कई लोग हैं संसार में जो जिन्हें एक निवाला भी नहीं मिल पाता, कई बार वो भूखे सो जाते हैं. तो ऐसे लोगों के लिए आप अच्छा, मैं एक बात और यहाँ मित्रों आपसे कहना चाहूँगा कि हमने देखा है, हम शादी पार्टीज़ में जाते हैं और वहाँ पे हमने पाया है अमूमन बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट होता है. तो मैं आप इस ब्लॉग के माध्यम से आपसे निवेदन करूँगा कि प्लेट में उतना ही लें जितनी आवश्यकता हो, खाना वेस्ट ना करें, ताकि वो बचा हुआ खाना जो आपने वेस्ट नहीं किया है किसी ज़रूरतमंद किसी भूखे को मिले. मुझे याद आया, मैंने किसी कहीं पढ़ा था कि एक बार शायद रतन टाटा जी से संबंधित ये प्रसंग है कि वो हमें वो जर्मनी में कहीं थे और उन्होंने पार्टी दी थी और उस पार्टी में काफ़ी खाना वेस्ट हुआ था. और ये बातें जब वहाँ के लोकल फूड इंस्पेक्टर को पता लगी तो ही वॉज फाइंड. एंड उनसे जब पूछा गया कि वाई वी आर फाइंड, तो हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि यू हैव टू फाइंड अस. तो उन्हें जो फीडबैक मिला वो ये था कि यू हैव वेस्टेड द फूड, दैट्स वाई यू आर फाइंड. तो स्टेटमेंट ये है कि भाई वी हैड परचेज द फूड एंड सो नाउ वी ओन द फूड, सो इफ इट इज बीइंग वेस्टेड इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. सो बाद में बहुत अच्छी बात जो उस फूड इंस्पेक्टर के द्वारा कही गई वो ये थी कि आपको फाइन इसीलिए किया गया है कि जो फूड आपने परचेज किया, नो डाउट यू हैड पेड फॉर इट, बट द फूड दैट यू परचेस्ड वॉज प्रिपेयर्ड बाय आवर रिसोर्सेज एंड इन द एंड यू हैव वेस्टेड आवर प्रीशियस रिसोर्सेज. दिस इज द रीज़न, दैट इज़ द रीज़न यू आर बींग फाइन. सो हमें भी अपने रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए. और वर्ल्ड फूड डे का उद्देश्य भी यही है कि उतना ही लो थाली में जितना ज़रूरत हो, जितनी आवश्यकता हो, खाने को कम से कम वेस्ट करें ताकि एक भूखे व्यक्ति को खाना मिल सके. और मैं आपके साथ इसका भी आप देखेंगे लोगो शेयर करूँगा वर्ल्ड फूड डे का, और इसकी थीम मैं भी आपको बताता हूँ. दोस्तों मैं आपसे शेयर करता हूँ 2021 के वर्ल्ड फूड डे की थीम. आवर एक्शंस आर फॉर फ्यूचर फॉर अ बेटर प्रोडक्शन फॉर अ बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट एंड फॉर अ बेटर लाइफ. सो रियली our actions are our future. So let's save food for all those people who are deprived of meals. इसी मुझे एक बहुत अच्छी, मैं सर्फिंग कर रहा था मैं, तो मैंने पाया कि आपसे शेयर करने वाली बात है. MS Swaminathan जी, डॉक्टर MS Swaminathan जी, he was the first prize winner of World Food Day, first, and fortunately we are I am very proud that he was an Indian and he worked with Indian Agriculture Research Institute, and he was awarded for introducing or inventing or discovering a high yielding variety of wheat and rice. World Food Day, na? This is the link. So Swaminathan ji, you had made me and Indians proud. So हमें भी आपसे इतना ही निवेदन रहेगा कि खाना जरूर बचाएं, और साथियों फिटनेस का ध्यान रखें,
साइकिल ज़रूर चलाएं, कोई ना कोई फिटनेस एक्टिविटी करो यार जैसे मैं कर रहा हूँ, और अपनी लाइफ को पर्पसफुल बनाते हैं। चलिए आप और हम, और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक बिल्कुल नहीं भूलिएगा करना, ज़रूर करें लाइक को, और कमेंट करके बताइए नया लुक मेरा कैसा है। चैनल में पहली बार हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए दिन पे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने इस मित्र सुशील को दीजिए आज्ञा, नमस्कार, हैव अ गुड डे।